बच्चा किसी के अंदर बच्चा है एक नंबर ना, रोंटे खड़े हो गए बोल रहे क्योंकि आज हम सुनाने वाले हैं घर वालों को हार्ट बीट, बेबी की जो हार्ट बीट आ चुकी है आप लोग जो सुन चुके हो, तो आज मैं घर वालों को सुनाने वाली हूँ, तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगी गाइस। ईशान भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, तो ईशान भी आ चुका है, तो ईशान को भी हम लोग सुनाएंगे अभी। अभी सब अंदर, तो अभी सब हाँ, तो सबको बताएंगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है, तो चलो देखते हैं कि सबका रिएक्शन क्या होता है। क्या सोच रहा था अभिषेक भाई को कैसा बताने का, थोड़ा थोड़ा इनोवेटिव तरीके से, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बताने का। सोच रही हूँ कि टीवी में लगाते हैं, लेकिन फिर सब देख लेगा टीवी नहीं में। तो सबको बेडरूम में रखने का, एक एक सिंगल सिंगल अलग अलग तरीके से बताने का। अभिषेक भाई को बता दी, अक्षत को, फिर ईशान को, मम्मी को, जाहिद को, और जिसको बताते जाएंगे तो वो लोग बैठते जाएंगे। हाँ, वो लोग भी वो चीज का फिर पार्ट बनते जाएंगे। क्या बोलते हैं तो मतलब अभी तुम क्या बोल रहे हो? ठीक है, कैसा अभिषेक भाई को कैसे टीवी में लगाते हैं? सुनो, टीवी में लगाते हैं मुस्तू को अभिषेक भाई की गोद में, जैसा वो पहले मुस्तू को दिए थे ना वैसा उसके हार्ट बीट सुनाते हैं। जब पूछेगा ना क्या है, बोला हार्ट बीट है, तो बोला क्या, बोला मुस्तू की, बोले नहीं नहीं मुस्तू की नहीं, फिर रिवील कर देना अरे न्यू बेबी की है ये वो, फिर बताना सब भाई सब हेल्दी है, सब सही है, ठीक है, ठीक। और ये एक कंटिन्यूशन ब्लॉग है गाइस, तो हम अभी तक हमारा ये ब्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ है, ये वो ब्लॉग पहले हमारा ब्लॉग अपलोड होगा, फिर उसके बाद में ये रिएक्शंस वीडियो अपलोड होगी गाइस, तो हम लोग ये कंटिन्यू बनाए ले रहे हैं, एक ही बार में ही बना ले। हम लोग अपलोड कर देते उसके बाद अगर हम लोग रिएक्शन लेने जाते तो लोग सबको ब्लॉग देख के पता ही चल जाता है, इसलिए हम अभी बना रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, हम लोग ने टीवी पे हार्ट बीट का ये लगा दिए हैं, तो अभी मम्मी को सुनाना, मतलब बोलो बोलो बोलो, मम्मी को अभी सुनाना है, तो मम्मी की आईज क्लोज कर दी हूँ मैंने, तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है, बस सुनना है, हाथ हटा, हाथ हटा। तो चलो ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ हार्ट बीट। मम्मी वहां देखो, उधर आवाज ही नहीं आ रही टीवी की, टीवी की आवाज बढ़ाना पड़ेगा। बच्चा कैसी लगी मम्मी? देखो अभी वापिस आई, सुनाई दिया। छोटू पापा मम्मी को बता दो सब डॉक्टर ने जो बोला। मम्मी फिर डॉक्टर ने बोली है कि हार्ट बीट आ गई है, बेबी भी हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, अब जो भी होगा नेक्स्ट सोनोग्राफी में पता चलेगा, तो बस ये चीज का ध्यान रखने में, ज्यादा भारी उठाना नहीं उठाना, हाँ हाँ, और खाने पीने पे ध्यान रखना, खाना ज्यादा। हाँ मम्मी बराबर, दुआ दो इसको, दुआ दो अच्छे से। गाइस अभी हम बुलाते हैं भाई को और भाई को बताते हैं। सो गाइस मम्मी को तो हमने दिखा लिया, अभी हम लोग भाई को बुलाते हैं। भाई तुम बात करते रहो, तुम कुछ भी बोलो नहीं, वहाँ देखेगा ना क्या रिएक्शन देते वो देखना। हाँ बैठ इधर, क्या बोल रही हूँ मैं भाई? वो बोल रही है क्या, तुम इसको ड्रेस दिला, एक और एक ड्रेस दिला दो। काय का? शादी के लिए तुम्हारी बस एक बहुत है, सबके लिए एक, तो इसके लिए भी एक ही। मैं तेरी बहन हूँ तो मतलब मेरे लिए कुछ तो अलग होना चाहिए, मैं छोटी। तू अकेली बहन नहीं है, एक लौती नहीं है, तेरे साथ एक और है बड़ी बहन, भाई छोटी बहन, छोटा भाई भी है, फिर सब एक जैसे। अरे क्या मुस्तजाब की वीडियो देख ली है? हाँ। अबे लेकिन मुस्तजाब में तो मैंने ही वीडियो लिया था, ये वीडियो में वो थोड़ी ना है, ऐसा डॉक्टर को नहीं लिया था मैंने, न्यू बेबी की हार्ट बीट है। बेबी की हार्ट बीट आ गई भाई, आवाज बढ़ाओ, और आवाज बढ़ाओ ना थोड़ी, हार्ट बीट नहीं सुना था मैं, था वहाँ पे लेकिन नहीं सुना था, मैं पहली बार हार्ट बीट। तो ये तुम्हारा जो भी भांजा या भांजी है, ठीक है, उसकी हार्ट बीट है,
अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छी है, एकदम प्रॉपरली कंसीव हो चुकी है और सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो मैं बोल रही थी ना भाई देखो कि मतलब हम लोग ने वीडियो बनाए तो यही वीडियो थी हमने बनाए थे हार्ट बीट की। अभिलेश भाई बच्चे के अंदर बच्चा है क्या काजी भाई बहुत ही बच्चे पे है क्या बोले तुमने क्या बोले हमारी बीवी बच्चा पे है हमारी बेटी बच्चा पे है कैसी भी तो नहीं, शायद ये मेरी लाइफ की है ना सबसे खूबसूरत आवाज है, तो उसके बाद वही करना पड़ेगा बस। सो गाइस हम लोग जीशान को बुलाते हैं, अभी जीशान भी अंदर ही है। अभिलेश भाई को बता पहले डॉक्टर ने क्या बोला, सबको तुमको बताना है सबको। हाँ तो भाई भी तेरे को बताएंगे ना, भाई ने भी कुछ मेरे से कल भी बात किए थे कि क्या है क्या नहीं है, आइफा का ध्यान रखो और उसको ये बताओ। हाँ डॉक्टर ने बोली है सब कुछ हेल्दी है बेबी, मतलब हेल्दी है भाई। डॉक्टर ने उसको टाइम टू टाइम खाना खाने बोली, उस पर कुछ समझाओ जरा। खाना खाए नहीं जाता, उल्टी के जैसा होता है तो क्या करूँ, भी खाने का ही है। बेबी बंद कर रहा है, भेजो भेजो चलो अभी। तो जीशान जीशान आ गया है। जीशान आप लोग ने देखे होंगे जैसे पिछले ब्लॉग में एक्टिंग कर दिए सुनाना, अरे रुकना वीडियो लगा के छोड़ दिए खाली। मुझसे आपकी वही ब्लॉग में जो डाले थे वही दिखा रहे हैं अभी पिछले ब्लॉग में। मेरे को मत सिखा, मैंने वो वीडियो देखा पिछले ब्लॉग में जीशान ने बोला था मुझे भी हार्ट बीट सुनने का है, मुझे भी सुनाना सुनाना, तो वो चीज मैंने संभाल के रखी थी। तो चलो जीशान को सुनाते हैं। मुझ तो भाग गया थोड़ा सा ना जीशान भाई की तरफ देखो, तुम जरा देखो इमोशनल है मेरे भाई लोग, मेरे घर तो फैमिली में सभी लोग ये सब चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। तो ये तो जीशान भाई सब अलहमदुल्ला नॉर्मल है, सब अच्छा है, फिट एंड फाइन है। इसको अपनी सेहत पे ध्यान देना है, वजन उठाना डॉक्टर ने बंद करा है और कुछ मेडिसिन दिया है जो खिलाए गए। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हाथ में मैं बच्चा दे दूंगा, ठीक है जीशान भाई, बहुत जल्दी तुम्हारे हाथ में मैं बच्चा दे दूंगा, ठीक है मुश्तू। भाई बहन आ रहे हैं, तो चलो अभी अक्षत को बुलाते हैं। सो गाइस अभी इन लोग को मैंने बुला लिया, फालतू फालतू अलग हो सकते हैं क्या, फालतू फालतू कभी अलग नहीं हो सकते। तो गाइस चलो इन लोग को सुनाते हैं हम हार्टबीट, चलो। ओ वापस लगाओ, पहली बार सुन रहा हूं ये आपके यहां पे हार्टबीट नहीं हो रही है, वही धक 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 हो रहा है। या आपके होने वाले भांजा भांजी के जो भी हो गए उन लोग, सही में पहली बार सुन रहा हूँ ना ऐसा, ये फर्स्ट। हाँ ये जो जब तुम फर्स्ट बार उसको इंशाल्लाह बेबी को गोद में लोगे और जब उसको गाल पे पप्पी देके जब ऐसा गले लगाओगे ना, तो तुमको जो हार्ट बीट सुनाई देगी ना वो यही है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है एफएफपी की प्रेगनेंसी के बाद मेरे को एफएफपी से पता नहीं चली थी। हाँ उसके एक रात पहले मेरे को दापी ने बता दी, तो दापी ने मेरे को एक रात पहले मेरे को कॉल करी और बोली अक्षत किसी को बताना है, तो बोला अच्छा ठीक है। मैं बेडरूम में था और फिर बाद में ऐसे ही चल के बाहर आ रहा था, तो दापी बोली प्रेगनेंट है, मैं एकदम शौक होगा और यहाँ से कूद रहा हूँ, यहाँ पर भाग रहा हूँ, यहाँ से कूद रहा, यहाँ पे भाग रहा हूँ। मैं बोला दापी देखो नहीं बताना चाहिए था, देखो अभी बिल्कुल नहीं बताना चाहिए था मेरे को, उसके मुँह से ही नहीं बताना। मैं खुद शौक था कि उसने बताई क्यों मेरे को मैं, लेकिन जब वो मोमेंट था ना मैं इधर से उधर कूद रहा था कि हाँ पप्पी प्रेग्नेंट हो गई है फिर से, तो मतलब अभी बहुत सारी चीजें चेंजेस आने वाली है। और जब पहली बार ये मैं हार्ट बीट सुन रहा हूँ ना, तो फिर ऐसा लग रहा है कि जो न्यू लाइफ आने वाली है घर में उसको लेके एक्साइटेड हो, नहीं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है माशाल्लाह।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम्हारे को एक और एक भांजा मिल रहा है या भांजी मिल रही है, ठीक है। इतने प्यार देने वाले मामू है, फैमिली है, फुप्पी लोग है, दादा है, नानी है, सब है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। सब नॉर्मल है, सब अल्हम्दुलिल्लाह फिट एंड फाइन है। हाइफा की हेल्थ भी, बेबी की हेल्थ भी, हार्ट बीट भी सब ठीक है। तो तुम लोग जितना हो सकता है दुआ करना कि अच्छे आसानी से हो, आराम से हो, ठीक है। और दुआ करो कि खाना पीना प्रॉपर खाए, प्रॉपर खाना, ठीक है।